अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने रात में शुरू की थी। डिनर के बाद हम लोग गए थे मार्केट कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने थी, कल घर में दावत है तो मैंने सोची थी ना कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए, तो उसी के लिए सब फ्रूट्स वगैरह लेने गए थे। और साथ ही में थोड़े चिकन वगैरह लाए थे, तो उसे सब क्लीन करने में टाइम जाता है। चिकन को क्लीन करो धुलो तो उसे क्लीन करने में टाइम गया। उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए थे फ्रूट्स लाने के लिए, 11 बज गए थे और अभी हम लोग आए हैं 11:15 बजे, अभी हो रहे हैं 12। और जो फ्रीज में मैं दूध पर की मलाई जमा करती थी, वो सारी चीज़ें ना ऐसे फ्रीज में रखी थी, बहुत बड़ी फ्रीज नहीं है तो वो सारी चीज़ें निकाल निकाल कर खाली कर रही थी ताकि जब मैं डिज़र्ट बनाऊँ तो फ्रीज में आ सके। और फिर पानी वगैरह भी, वाटर बॉटल भी रखनी होगी, तो इसलिए सब फ्रीज को खाली कर रही थी। घर में काम करते हुए बच्चे देख देख कर ना वही काम करना चाहते हैं, तो जो भी मैं किचन में करती हूँ ना उसमें अहमद को बहुत शौक आता है ये वो करने के लिए, तो उसे भी बीट करना था। बीट करने ही लगा कि उसका हाथ लड़खड़ाने लगा। बहरहाल यहाँ पर मैंने ना सारा क्रीम जो है ना बीट करने के बाद उसे फ्रीजर में रख दी हूँ, जब मक्खन निकला है। मैं 2-3 बार से ना सारा फ्रीज में जमा कर रही हूँ, रमजान तक के उसे घी बना लूंगी, क्योंकि अभी जो घी है डब्बे में वो खाली नहीं हुआ है, वो खाली हो जाएगा उसके बाद फिर बनाऊंगी, वरना फिर जो खत्म नहीं होते उसके ऊपर ही हम डालते चले जाते हैं ना, तो बाद में वो जब खाली होने लगते हैं तो ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाती है। वीक में सब्जियां लाते हैं तो थोड़ी बहुत सब्जियां बची थी, और कुछ जैसे हरी मिर्ची और कोतमीर वगैरह नहीं थी, कोतमीर में लाई थी मगर मैंने सब्जियां वगैरह बनाई ना तो उसके बाद वो पॉलीथीन में ही रखी थी, मैंने सारे उठा के डस्टबिन में फेंक दी, क्या की मुझे खुद याद नहीं है, मिला ही नहीं, तो वो लेने थे और फ्रूट्स वगैरह लेने थे। और फ्रिज भी खाली हो चुकी है ताकि जब कल मैं बनाऊँ डिज़र्ट ना तो अच्छी खासी जगह रहे फ्रिज में, बहुत बड़ी फ्रिज नहीं है, छोटी है ना, तो जब कभी दावतें वगैरह होती है ना तो बहुत मैनेज करना पड़ता है फ्रिज में। मुझे खाना बनाने का इतना ज़्यादा शौक है ना कि मैं सोचती हूँ दावतें वगैरह हो ना तो मैं अलग अलग किस्म के वैरायटीज़ के सालन वगैरह बनाऊँ, स्टार्टर बनाऊँ, मगर हो नहीं पाता है। एंड टाइम पे ही ना मेरे बच्चे जो है ना बीमार पड़ जाते हैं अफीफा। ऐसे में ना बच्चों को ना फ्रीज का कोई भी चीज़ नहीं देती हूँ, लेकिन मैं फूफू के यहाँ गई हुई थी, वो बनाना खा रही थी, अफीफा को बनाना पसंद है, उतने में फूफू ने ना कलिंगड़ वगैरह भी कटवा दिए, तो वो फ्रिज का था मुझे ध्यान नहीं था, मैंने वो भी दे दी, वो खा ली। उसके बाद रात में आई जो उसका पूरा गला वगैरह जाम हो गया, रोना शुरू की, फीवर चढ़ गया और उसको उतरा, सुबह तक के उतर गया, फिर अहमद को चढ़ गया, तो अहमद इतना परेशान किया सुबह में 6 बजे ही उठ के वो रोना धोना चालू कर दिया। फिर उसे दवाई वगैरह पिलाई, नाश्ता वगैरह किया, दवाई पीने के बाद जब थोड़ा आराम हुआ फिर उसे सुला दी। उसके बाद मैंने 7 बजे ना कुछ मिल्क ऑर्डर की थी तो 8 मिनट में डिलीवर हो गया, और 3 लीटर का मैंने बनाने के लिए ऑर्डर की थी लेकिन बाद में मेरी जेठानी ने बोले 4 लीटर का बनाना, तो मैं 3 लीटर दूध फ्रीज में रख दी। पानी वगैरह आया, रात के बर्तन जो थोड़े बहुत बाकी थे दूध वगैरह पिए थे वो सारे धुली, वाटर बॉटल फिल की सारी भर कर रख दी, और फिर साथ में मैं भी सो गई, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। फिर अभी उठी 10 बजे, नाश्ता वगैरह हो गया सबका, और फिर मैंने ना दूध ऑर्डर की 2 लीटर और, तो वो 2 लीटर आने में मुझे 11:30 बज गए, वो 7 मिनट का टाइम दिया हुआ था, 7-8 मिनट का डिले होते होते मुझे 11:30 बजे दूध रिसीव हुआ। तो दूध को रख दी मैंने गर्म होने के लिए, अलग अलग पतीली में रखी हूँ ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। और हस्बैंड ने रात में ही बोल दिए थे मुझे 12 बजे से पहले उठाना नहीं, लेकिन आज मॉर्निंग में ही उनको उठना पड़ा क्योंकि अहमद इतना रो रहा था, तो इसके लिए वो भी उड़ गए थे। फिर संभाले हमारे फिर सोए हैं तो ये रूम में आके सो गए कि वहाँ पर मैं काम वाम कर रही हूँ तो उनको आवाज़ आएगी। एकदम अभी शांति से बैठ गई, जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे ना पैर में आके ये चिपक जाती है, कभी कभी तो ऐसे अचानक भी कूदती है ना कि डर जाओ, हार्ट अटैक ही आ जावे। दूध गर्म होने रख दी थी और मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं चीनी भी ऐड कर दूँ, तो मिल्क जब गर्म होने रखी थी उसके साथ चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी तो अभी ऐड कर रही हूँ। अभी अंदाजे से मैंने कुछ 1.5 कप एक में डाली हूँ और 1 कप एक में डाली हूँ, कम रहेगा तो मैं और बाद में ऐड कर लूँगी।
मिल्क की फ्लेम को मैंने मीडियम रखी हूँ, हाई फ्लेम पर रहेगा तो वहीं पर खड़े होकर उसे पकाना भी पड़ेगा और चलाते भी रहना पड़ेगा, वरना दूध है ना नीचे चिपक जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर करके मैं अपने दूसरे काम कर रही हूँ। दोनों बच्चों को पहले नहला दी हूँ और यहाँ पर ये बेसिन को धुल रही हूँ। ये धुल जाएगा ना, नीचे पानी वगैरह गिरेगा, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा लूंगी। मिल्क यहाँ पर पक चुका है, अब इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं। और हस्बैंड से मंगाई थी मैंने, थोड़ा सा था कस्टर्ड पाउडर तो मंगाई, तो छोटी पैकेट लेकर आ गए हैं। और देखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे ना कम पड़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी पैकेट्स वगैरह आती है ना अलग अलग कंपनी की, उसके पीछे लिखा होता है कितने क्वांटिटी कितने मिल्क में डालनी है। ये डालने के लिए आ रहा है कुछ आधा लीटर दूध में ना 2.5 टेबल स्पून, तो 4 लीटर दूध में ये कुछ 20 टेबल स्पून जाएंगे, और ये कुछ थे ना 13-14 टेबल स्पून थे, और जो मेरे पास थे वो 2-3 थे। तो मिला के मतलब 20 से कम ही है। बहरहाल यहाँ पर डाल देते हैं 20, अगर जैसे ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर रहता है ना तो थोड़ा थिक बनता है, और कम रहेगा तो थोड़ा हल्का सा पतला रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो ये छोटी पतीली का दूध जो है पक गया था, और इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने जा रही थी, मगर दूध ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा दूध मैंने उस पर डाल दी हूँ। और सोच रही थी पूरा ही कस्टर्ड पाउडर का मिल्क है ना जो इसमें ही डाल दूँ, और पका के बाद में वो वाले मिल्क में डाल दूंगी, मगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा ही ऐड करती हूँ, वरना फिर ये एकदम थिक हो जाएगा। और पता चला मैंने उसमें डाली लम्ब्स वगैरह बन गए, तो उसे भी मिक्स करने में ज़्यादा परेशानी आएगी, तो थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दी। इसे पका लूँगी। पाउडर मिक्स करने के बाद 3 मिनट मिल्क को पकाना रहेगा, ताकि जो कस्टर्ड की स्मेल है ना स्ट्रांग स्मेल वो हट जाए, वेनिला की अच्छी सी स्मेल आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है फिर। तो यहाँ पर देखिए ये पक गया था, इसे हटा दी मैंने और फिर उसमें भी ऐड कर दी हूँ। अब सारा मिल्क है ना एक ही पतीली में करके पका लूंगी मैं अच्छे से, और उसके बाद ठंडा होने के लिए किसी थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना तो बर्तन भी चेंज कर दूंगी, जिससे कि और ज़्यादा जल्दी ना ठंडा हो सके। तो कस्टर्ड वगैरह पक गया था, उसे मैंने थोड़ा ठंडा हो गया तो दूसरे बर्तन में डाल दी थी, और उसके बाद फिर कुछ शावर वगैरह ले ली, और बनाने वगैरह भी नहीं लाए थे कल हम लोग, क्योंकि मालूम है ना रात में अगर बनाना लाए और अफीफा ये लोग मानने वाले हैं नहीं, खाने को चाहिए तो चाहिए, पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी। तो बनाना अभी लेकर आए हैं हस्बैंड ने। अब यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब तक के सारे बच्चे ना अपनी दीदी के साथ खेल रहे हैं, मेरी जिठानी की लड़की आई है उसके साथ खेल रहे हैं। और रात में भी मैंने पुलाव ही बनाई थी, मगर वो चिकन पुलाव था और ये वेज पुलाव है। इसमें मैं चिकन स्किप करके आलू ऐड कर दी हूँ। इस तरह की सिंपल सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो सारे मसालों की मसाले जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर स्क्रीन पर डाल दूंगी, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं अगर चाहिए तो। और साथ ही में मैंने फ्रिज से ना चिकन को बाहर निकाल कर रख दी हूँ, मॉर्निंग में भी एक बार निकाल कर रखी थी और वो पूरे पिघल गए थे। फिर उसके बाद में उसको ना मैं सो गई थी, फिर जब 10 बजे उठी तो मैं बोली अब तो नाश्ता वगैरह बनाना है, बाकी के काम करने हैं, तो उसे मैंने वापस से फ्रीजर में रख दी थी, मगर वो ज़्यादा बर्फ नहीं बने थे, अभी निकाल कर रखी हूँ। उसे मैरिनेशन वगैरह सब करूँगी, उससे पहले मैं अफीफा को सुला दूँ, ये सो जाएगी। बच्चे लोगों का खाना पीना सबका हो गया है, ये लोग सो जाएंगे ना तो मुझे थोड़ा सा आराम होगा और फिर मैं अपने काम वगैरह कर सकती हूँ। निकालू, लंच हो गया था, उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दी और एक तरफ मैंने रख दी थी। लंच बन रहा था ना उसी के साथ ही मैंने रख दी थी, क्योंकि 2 गैस खाली था, तो एक तरफ मैंने आलू बॉईल कर ली थी और एक तरफ चिकन के कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन को बॉईल की थी। चिकन बॉईल करने में मैंने उसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट और तंदूरी मसाला डालकर उसे गला ली थी पानी डालकर। और अब यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग फ्रूट्स वगैरह की कटिंग करने के लिए। फ्रूट कट करने जा ही रही थी तो याद आया कि मुझे चिकन मैरिनेट करना है चिकन स्टिक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना चिकन के अंदर पहले ही 2 नींबू के क्यूब्स डाल दी थी, वो आइस बने हुए थे तो उसे डालकर छोड़ दी थी। अब यहाँ पर वो पिघल गए हैं, इसके अंदर मैंने ऐड की हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और तीखे के लिए रेड चिली, सोया सॉस ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो वेनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि घर में कुछ भी ज़्यादा काम होता है या कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तो हस्बैंड काम कर देते हैं, अब्बा भी काम करते हैं। इन लोगों की पहले से आदत है, पहले भी जब मेरी सास थी ना तो वीक में सब्जियाँ एक साथ आती थी ना, तो सब्जियाँ वगैरह क्लीन वगैरह करवाते थे अब्बा बैठ के,
मैं हस्बैंड तो नहीं करवाते थे, क्योंकि उस वक्त मैं, मेरी देवरानी है और मेरी सास, हम सब लोग साथ में बैठे थे, अब्बा भी होते थे तो वो भी करवा लेते थे। तो इस तरह से पहले से ये लोग काम वगैरह करते हैं, लेकिन मैं जब से घर में अकेली हुई हूँ, सब अलग हुए हैं, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरा काम करने लग गए, थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लग गए थे। लेकिन पहले जितना काम करते थे ना, अब उतना काम नहीं करते, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की हूँ ना, वीडियोस वगैरह शूट करने लग गई हूँ, तब से उनका काम करना थोड़ा कम हो गया है। अब ऐसे कभी काम कराते हैं जैसे कभी दावतें वगैरह हो गई या फिर मैं बीमार पड़ गई तो, वरना अब वैसे काम नहीं करते जैसे कि कभी घर पे रहे या जल्दी आ गए तो मेरे दूसरे काम वगैरह कर देते थे, अब नहीं करते हैं। मेरी देवरानी आ गई तो अब्बा को इसके, मेरे हस्बैंड ने बोले कि जाके आराम कर लेना, वो जस्ट मुंबई से आए हुए थे और मैं यहाँ पर कटिंग करने जा रही थी तो वो भी बैठ गए थे। फिर थोड़ा टाइम बाद वापस आए, कुछ करने का है क्या, तो हस्बैंड ने आलू वगैरह छीले थे, उसे मैश करना था तो अब्बा मैश करने लग गए, और फ्रूट्स यहाँ पे कट चुके हैं, बस चिकन के रेशे निकालते बैठे हैं ये लोग। तो ये एप्पल के और बनाने के कलर ना चेंज होते जा रहे थे, तो मैं सोची फ्रीज में से कस्टर्ड निकाल के ना सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने, देखिए, बनाना है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, और दो कलर के अंगूर हैं और अनार हैं, बस इतने से ही फ्रूट्स हैं कि सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो डालना चाहते हैं वो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग रशियन कबाब बनाने जा रहे हैं, तो देखिए उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा से मसाले जो है ना मैंने अब की अलग की हूँ, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाए। चिकन बॉईल करते समय मैंने बताई थी आप लोगों को, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा तंदूरी मसाला, थोड़ा नहीं जितना चिकन था उसके हिसाब से ऐड की थी। अब यहाँ पर आलुओं में मैंने नमक और हरी मिर्ची कुटी हुई और लाल मिर्ची कुटी हुई, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हूँ। मिर्ची मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और ले ली हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में, चिकन को, आलू को, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा आइडिया बताऊंगी जिससे ना आप एक साथ में ढेर सारे कबाब रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल या ओल शेप में नहीं बना रही हूँ, एक पॉलीथीन ले ली हूँ, और पॉलीथीन में ना सबसे पहले तो मैंने ना क्वांटिटी डिवाइड कर ली हूँ, कितने कितने हिस्से बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी पॉलीथीन ले लेनी है और एक पोर्शन उठाकर उस पर रख लेना है, और अच्छे से उसे लंबे तरीके से ना फ्लैट करते हुए बढ़ाते चले जाना है। अब ये जब पूरी तरह से ना बढ़ जाए तो इसकी पॉलीथीन ऊपर से हटानी है और इसे शेप दे देना है। मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, किसी भी शेप में यहाँ पर कट कर सकते हैं, इससे क्या होगा ढेर सारा एक साथ बनेगा और थोड़ा सा यूनिक लगेगा। वैसे तो अक्सर कबाब के जो शेप होते हैं ओल या फिर गोल शेप में ही होते हैं, मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। और कट करने के बाद जो चिकन के साइड से रेशे रहते हैं बस उसे शेप दे देनी है, और यहाँ पर हमारी टिक्की बनकर तैयार। खाने पीने के बर्तन निकालने थे मेरे पास, जो है ना 6-6 प्यालियाँ हैं, अलग अलग तरीके की हैं, कोई भी सेम नहीं है, तो मैं सोची ना अपने जो शादी में गिफ्ट वगैरह आया था ना वही निकाल लेती हूँ। तो ये दो बॉक्स सेम थे तो मैं सोची अंदर भी सेम ही होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ओपन की हूँ मैंने, अंदर इस तरह से मल्टी कलर है कटोरियों पे, और एक बड़ा बाउल है, 6 छोटे बाउल हैं। ये प्यालियाँ मैंने निकाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो पहले से घर में थी ना वो छोटी छोटी हैं, उसमें क्या ही प्यालियाँ क्या ही कस्टर्ड जाएगा जो ज़बान को खाली लगेगा, थोड़ी तो भी खाने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े से बड़े बड़े प्यालियाँ निकाली हूँ। हम लोग तीनों देवरानी जेठानियाँ बैठे ही थे कि उतने में ना वो मेरी जेठानी का लड़का बाहर भागते भागते गया और साइकिल कोई चला रहा था उसमें जाकर लड़ गया, तो उसकी कान के पास है ना पूरा फट गया। तो भाभी और भाई ये लोग गए बच्चे को लेके दवा खाना, और उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग फ्राई करने लग गए कि टाइम हो जाएगा अभी सब आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद जब फ्राई करेंगे ना तो घर में उसकी हीट थोड़ी बहुत तो भी रहती है, और बिल्ली तो इतना परेशान कर रही है, जैसी विंडो ओपन करेंगे वैसी वो टपक करके आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए एग लिए हैं हमने, एग के अंदर नमक, चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर लिए हैं, और चिकन स्टिक जो है ना दोनों ही चीज़ें इसी में फ्राई करेंगे, बस कोटिंग जो है ना चिकन स्टिक की मैं ब्रेड क्रम में कर रही हूँ, और जो ट्रायंगल शेप के कबाब हैं हमारे उसे मैं सेवइयों में कोटिंग करूँगी, और तेल में ड्रॉप करने के थोड़े सेकंड बाद इसे पलटी करना है, उसके बाद उलट पुलट करके इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें कोई टेंशन भी नहीं है कि हमारे जो क्या कहते हैं मैरिनेशन निकलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे।
स्टिक सारी फ्राई हो चुकी है, यहाँ पर बस कबाब फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी देवरानी ये मुझे कोटिंग करके दे रही है और वहाँ पे मैं फ्राई करते जा रही हूँ। उसके बाद हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया था, सब चले गए हैं। और उसके बाद तो मैंने शूट ही नहीं की थी क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे, सबको पानी देना ये वो, बहुत ज़्यादा लोग थे तो मैं शूट नहीं की। और वैसे भी घर वालों को ना व्लॉग में आना पसंद नहीं होता है। चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दुआओं में याद रखे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।